अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया लीना गर्ल। तो आज शाम से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो आज जा रही थी बने बिरयानी, मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लेते हैं साथ साथ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मेरा शाम का रूटीन क्या होता है। तो अभी बच्चे ट्यूशन से आके आप ही इससे पढ़ रहे और एक तरफ खाना बन रहा है, चलिए किचन में चलते हैं। और ये आ गया है फ्रेश फ्रेश चिकन, तो आज बनेगी चिकन की बिरयानी खाने में। तो अभी क्या बनाने जा रही हैं आप? चिकन बिरयानी। तो कितना चिकन है? 1 किलो चिकन है ना? डेढ़। तो 1.5 किलो चिकन है, चावल है ऑलमोस्ट, चावल 1 किलो, 1.25 किलो चावल है, प्याज है और ये दही निकाल ली है। तो चलिए हम आपको आज साथ साथ रहिएगा, पूरा बिरयानी खाएंगे कैसे बनाने जा रही है। और हाँ, ये मसाले निकाले, इसको पीसेंगे। ये छोटी इलायची, जावित्री खा के, जावित्री है, थोड़ी सी काली मिर्च है, ये फूल है स्टार फूल है और ये है दालचीनी। हाँ, इस सबको हम लोग पीस लेंगे। ये बेसिकली बिरयानी पूरा नहीं पड़ता है, इसको पीस के रख लेंगे। कितना डालती है इसको? थोड़ा सा डालेंगे, 2 चम्मच। 2 चम्मच फिर ये डालेंगे। ये पूरा 1 कप दही है। तो ये बिरयानी स्टार्ट होगी, अभी मसाला पीसेंगे। और आज मैं वादी गए थे कुछ सामान लेने के लिए, तो ये देखिए मूंगफली लेकर आए हैं। इसमें चटनी भी थी बड़ी, बहुत जहरीली मिर्चे वाली चटनी थी। ये जर्दे में चिकन में ये रेड वाला जो फूड कलर, बिरयानी वाला कलर था, बड़ा सा कि थोड़ा सा पोटियों में कलर आ जाए। ये है 2 चम्मच अदरक लहसुन है, और एक तरफ में सबसे खतरनाक काम करी प्याज काटने का, बहुत ही झार है। और आज हम लोग अखनी बनाएंगे इस वाले पैन में, ये हम लोगों ने स्मार्ट बाजार से लिया था। इसमें तेल है ना भाभी? तो ये भाभी ने तेल डाल दिया है इसमें, हमें पानी समझ रहे हमारा प्याज जो है चॉप हो गया है। इसको चॉपर में कर लूँ तो अच्छे, इतना पतला प्याज होगा नहीं, उतने ही बिरयानी में खूब अच्छे से बन जाती है। ये देखिए बाकी हमने सब ड्राई जो मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च और ये धनिया का पाउडर निकाल के रख लिया है। इसमें सारा प्याज इसी में डाल देंगे ना, निकालेंगे प्याज थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा प्याज रान करके निकाल लेंगे। उसे क्या कहते हैं जो लाल प्याज निकालते हैं, कुछ कहते हैं उसको, आप बताइए कमेंट में क्या कहते हैं जो प्याज को रेड करके निकालते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम बिल्कुल। अब फ्रेंड्स, हम लोगों ने मीशो से ये मंगाए थे, ये वेट ड्राई वाइप्स जैसे होते हैं, और किचन काउंटर क्लीन करने के लिए इतना बड़ा एक इसमें होता है, और ये किचन काउंटर क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और काफ़ी बड़ा। इसमें 130/80 में 2 रोल आए थे, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और ये देख कितना अच्छा है, ये दही हमने बाकी बड़ी दही आज यूज़ करी है। तो हाय एवरीवन, तो आप देख रहे एक तरफ बन रहा है खाना और हाफिज जी चले गए, और आज फाइक बिल्कुल बे टाइम सो गया है, अभी वो सो गया है, तो एक से अच्छी भी खाना बन जाएगा। और कल है छठ पूजा की छुट्टी, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर फाइक देर से भी अगर अभी भी सोया है, देर से उठेगा, रात में भी देर सोएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, कल सुबह जल्दी नहीं उठना है, तो इसलिए मैंने और फाइक को सुला दिया, अदरवाइज मैं सुलाती नहीं हूँ। तो अभी बच्चे थोड़ा ट्यूशन के बाद और हाफिज के बाद पढ़ के फ्री हुए हैं, तो 1 घंटा उनको एंजॉय करने देंगे, फिर मैं पढ़ाने बैठू, क्योंकि कल अब दानियल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से, तो इसीलिए पढ़ाना भी जरूरी है थोड़ा सा, मतलब क्योंकि ट्यूशन भी खेल ही होता है एक तरीके से, खेल ही जाते हैं कि थोड़ा बाहर निकलते हैं रोज, एक आई हैबिट बन जाती है, कहीं जाना है बैठ के थोड़ा पढ़ना है। घर पर भी मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, तो अभी ये खाना बन रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करेंगे।
और उसके बाद पढ़ाते हैं रात तक आज इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। ओके तो अब बच्चों की फरमाइश आ गई कि उनको फ्राई वाला चिकन भी चाहिए थोड़ा सा, तो ये भाभी इसको अभी जरा सा बॉईल कर लेंगी थोड़ा सा ताकि वो तले तो अंदर तक गल जाए मुर्गा। तो इसमें कलर डालेंगे, अदरक डालेंगे, जरा सा अदरक अदरक लहसुन डाल के इसको भाभी थोड़ी देर बॉईल कर लेंगी, थोड़ा सा पानी डालेंगी, पानी डाल के बॉईल कर लेंगी। और एक तरफ हमारा ये बिरयानी का मसाला जो है वो है पिस, ये भी कोई मतलब कल से दानियाल परेशान थे कि बिरयानी खानी है, अब उनको फ्राइड चिकन चाहिए। तो ये इसमें क्या डाल लेते हैं, काली मिर्च ना डालेंगे, ये हमारा गया थोड़ा सा काली मिर्च और नमक का पाउडर, इसको हम लोग कर लेंगे, इसको कितना एक सीट लगा लेंगे ना, अब इसको फ्राई करेंगे। हमारे घर के अमरूद, हमारे यहाँ पेड़ है अमरूद का, तो उसके अमरूद हैं ये, और ये सिंघाड़ा आ गया है, ठंड आती है तो मूंगफली सिंघाड़े सब आ जाते हैं, अमरूद सब आ जाते हैं, सब दिखाएंगे हम आपको। और आज लेके आई है भाभी मूली, वैसे मुझे मूली की भुर्जी जो बनती है मुझे ऐसे मूली पसंद है दोपहर में तहरी या किसी चीज़ के साथ, बट ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अभी है दानी के एग्ज़ाम का, ये मुझे पढ़ाना है दानी को। और शाम होते ही मतलब कॉलोनी में इतना सन्नाटा हो जाता है, ऐसे लगता है कि रात के 2-3 बज रहे हैं, पर ट्रस्ट मी गाइस अभी सिर्फ 8 बजा हुआ, आप देख सकते हैं आपको एक इंसान नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सन्नाटा है। पर इस टाइम हम लोग वॉक करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा होता है, बच्चे भी पूरा इधर से उधर भागते हैं, और सेफ्टी तो है ही हमारे यहाँ कॉलोनी में, थोड़ा सा उधर चहल पहल है शालीमार की तरफ, और मुझे अच्छा लगता है, अब सन्नाटे की आदत हो चुकी है। तो बिरयानी का पानी के लिए वो चावल का पानी चढ़ा दिया है, जिसमें पानी है, और इन्होंने डाली है दालचीनी, इलायची, लौंग और तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची और नमक डालेंगे। अब इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल डाल देंगे। फैरिया कैसा है दानी, कैसा है? ओके एवरीवन, तो बिरयानी के लिए भाभी ने चावल चढ़ा दिया है, बॉयल होने के लिए अखनी तैयार हो गई है और बन रही है, क्या क्या बन रहा है, कौन सी सेवई? शरबती सेवई बन रही है। तो घी को कर लिया है गरम, उसमें डाल दी है इलायची और लौंग, और ये उसमें जाएगी सेवई, तो सेवई कर लेंगे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट, आजकल भाभी डाल देती है, भाभी चाय में भी डाल देती है इलायची का पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये भाभी ने बादाम एंड गरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, मुझे गरी बहुत पसंद नहीं है, बादाम तब भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और ये देखिए मैं बना रही हूँ, लोग कहते हैं आप क्या करती हैं, भाभी सारा काम करती है, ब्लॉग बनाना भी बहुत बड़ा काम ही है, और भाभी बताइए मैं काम करती हूँ नहीं करती हूँ, करती हूँ ना आपकी है? शादियों को हमने कहा सिवाय बनाने के लिए, देखिए अच्छी बन जाए तो
वाह अच्छी बन जाएगी। तो ये होगा सादिया ने सीख ली। अब तो ये खराब बने तो सादिया ने ही बनाई है। जज्बातों पे जाइए, जज्बातों पे। और ये देखिए ये शक्कर है, शक्कर। आप लोग भाभी शुगर नहीं खानी चाहिए, अनहेल्दी होती है। कभी पदार खा सकते हैं। ओके तो अब इसमें क्या आएगा? अभी और भूलेगी नहीं, हम खेल के भूल गई है। और इसमें जाएगा एक कप पानी। अब एक बॉल आएगा। ये महीन वाली सिवई की तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। और ये भाभी चावल पसा रही है। और ये पड़ गए सिवई में शक्कर। और जिसमें इलायची पाउडर थोड़ा सा, इलायची हम डाल भी चुके हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे खुशबू के लिए। शक्कर और जाएगी जाएगी, फिर ये गरम दूध और मलाई के साथ। ओके तो ये पकने के बाद इसमें गरम दूध और मलाई डाली जाएगी। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बस वही गल गई, इसको बस ऐसी बन गई। हाँ, बस इसमें गरम दूध और मलाई डाल के खाएंगे, नौश फरमाएंगे इसको। फिर शरबती से ये हमारी बयारी जा रही है लेयरिंग। ये हमारी यखनी तैयार हो गई है। कहते हैं अखनी, यखनी वो होती है जो वो वाली बिरयानी बनाती है ना, खाते हैं। जब तक दानी के बच्चों की शादी होगी तब तक तो सीख ही जाएंगे। कहेंगे हमें काम काज बहू चाहिए, सब आते हैं। सास को तो आता नहीं है, तो बहू ही पकाने वाली है तो चल जाएगा। वरना फैसल भाई जिंदाबाद, भाभी जिंदाबाद, बाहर से आएगा खाना, बहू भी खुश। ऐसा नहीं है, दामाद को खिलाएंगे, मेरी बहू ना देखे ये व्लॉग। हम लोग कहीं काम क्यों करें? हमने कहीं सुना था कि हमारी बड़ी सास हमें खिलाने वाली, जरूर खिलाएंगे। रहने दो, मतलब कार भी बना के खिलाते ही रहे। हम चाइनीज बना के खिला देंगे अपनी बहू को। व्हाइट सॉस पास्ता, चिली चिकन, फ्राइड राइस, पिज्जा। बिरयानी भी बनाई हमने मुंबई में बार, यहाँ जब से आज सबसे नहीं होना, मुंबई में दो तीन बार बिरयानी बनाई थी। वहाँ बड़ा एक्टिव थे, यहाँ आके लखनऊ की हवा नवाबियत घुस गई है। खुद नहीं बनाती है तो दूसरा क्या करे। अगली बार बिरयानी हम मैं बनाऊंगी पक्का। वाली बिरयानी बनाएंगे हम इंशाल्लाह। इनका बनी हुई थी बटर चिकन बिरयानी, वो बनाएंगे। मैं बनाऊंगी बटर चिकन बिरयानी जरूर। तो लेयर कैसे करनी है? और तेल डालना है, उसके बाद चावल, उसके बाद देखिए एक बस अखनी। बोला भी तो करो भाभी, परत लगा रहे हैं हम। हाँ। ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया है। सारा जितना भी चिकन का भाभी ने डाल दिया है उसके ऊपर जाएगा चावल। और अब इसके ऊपर जाएगा रंग। अब इसको लगा देंगे हम दम पे। और ये मेरा काम है जो बर्तन आप देख रहे हैं। और ये इसके ऊपर पेपर लगा, पेपर लेंगे कपड़ा लगाएंगे।
अगर आपको बिरयानी में चिकना कम लगे तो आप ऊपर से रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं या देसी घी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये बिरयानी में जब तक जबरदस्त चिकनी चिकनी बिरयानी ना हो तब तक मजा नहीं आता है। ये लग गई दम पे 5 मिनट तेज आंच पे, उसके बाद 10 मिनट धीमी आंच पे ना। चलिए मिलते हैं जब बिरयानी खाएंगे तब। सॉरी गाइस, बिरयानी की मैं वीडियो जब खाई तो बनाना भूल गई, तो ये बची हुई बिरयानी थी, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त यमी बनी थी, और जब बन जाती है ना बिरयानी खाते टाइम बिल्कुल होश नहीं रहता है, सारा ध्यान मेरा खाने में था, और खाने के बाद याद आया कि अरे ब्लॉग वीडियो तो बनाया नहीं, तो ये मैंने कहा बाद में मैंने याद से आपके लिए वीडियो बनाई है। कैसी लगी आपको बिरयानी की वीडियो ये वाला ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और फिर उसके बाद ये दानियाल के हेयर कट हुआ था नेक्स्ट ईयर, तो मैंने अर्बन क्लैप से ही बुक कर लिया था, क्योंकि बाहर जाने आने में बहुत झंझट रहती है, और बहुत अच्छे से बाल कट भी गए थे, और देखिएगा नेक्स्ट क्लिप में कितना अच्छे कटे हैं और कितना अच्छा भी लग रहा है। तो ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड लाइक कमेंट भी करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।